हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह वीडियो एक काल्पनिक खबर पर आधारित है। इसका मकसद केवल हास्य व्यंग्य, स्वस्थ मनोरंजन और राजनीतिक कटाक्ष करना है, किसी की मानहानि करना नहीं। रोटी उत्पादन में भारत नंबर एक, दुनिया में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटियां भारत में सेकी गई। संयुक्त राष्ट्र ने आज एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है जिसमें हमारे लिए खुश होने वाली बात भी है और दुखी होने वाली भी। खुश होने वाली बात यह है कि पिछले 25 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा रोटियां भारत में सेकी गई है और हम रोटी उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गए हैं। लेकिन दुखी होने वाली बात यह है कि ये सारी की सारी रोटियां राजनीतिक है, जिस वजह से इनसे एक भी भूखे आदमी का पेट नहीं भरा जा सकता। संयुक्त राष्ट्र का कहना है भारत में रोटियों का इतना अधिक उत्पादन होने की वजह यह है कि उसके सारे नेता दिन रात राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। चाहे किसी हादसे में सैकड़ों लोग मरे हो, कहीं कोई पुल गिरा हो या सीमा पर कोई जवान शहीद हुआ हो, भारत के नेता हर मौके पर रोटियां सेक सकते हैं। नेताओं की इस मेहनत की बदौलत भारत में रोटियों का उत्पादन इतना अधिक हो चुका है कि सरकार इन्हें दूसरे देशों को इंपोर्ट भी कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये रोटियां नॉर्मल रोटियां नहीं है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की मदद से भारत सरकार इन रोटियों को नॉर्मल रोटी में बदलने की तकनीक ढूंढ रही है। जिस दिन ये तकनीक मिल जाएगी उस दिन दुनिया में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।